आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्क ग्राइंडर के बारे में। जो इलेक्ट्रिक डिस्क ग्राइंडर होता है उसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक डिस्क ग्राइंडर है ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है और उसके अंदर एक एब्रेसिव डिस्क लगी होती है, एब्रेसिव पार्टिकल्स की डिस्क, जो कि मटेरियल रिमूवल के काम आती है। और ग्राइंडर मीन्स ये मटेरियल रिमूव करता है ग्राइंड करके मेटल को। तो इलेक्ट्रिक डिस्क ग्राइंडर इसको नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा, एब्रेसिव डिस्क यूज़ करेंगे मटेरियल को रिमूव करने के लिए। देखते हैं इसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे वर्क करेगी। तो सबसे जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो हमने इधर बनाए हैं कि जो वर्किंग में इसके यूज़ होते हैं। पहले हम इसका ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं। पीछे होती है इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक केबल जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस डिस्क ग्राइंडर को। तो ये केबल है, इलेक्ट्रिक केबल, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगी। यहाँ पे लगा है ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए है। जब इसको प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी, जब इसको रिलीज करेंगे तो मशीन ऑफ हो जाएगी। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे लगा है लॉक स्विच, लॉक स्विच। लॉक स्विच का काम क्या है? जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो ये इसको लॉक कर देगा ताकि मशीन आपको बटन दबा के रखना ना पड़े, तो ये चलती रहेगी। और जब आप इसको दोबारा से अनलॉक करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा स्विच। जब आप स्विच को प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो लॉक स्विच किस लिए है? कि आप इस स्विच को लॉक कर सके ऑन पोजीशन के अंदर। उसके बाद ये इसकी बॉडी होती है सारी, ये बॉडी है जो हमारे डिस्क ग्राइंडर की है। और इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे लगा है टूल रेस्ट, टूल रेस्ट हम इसको बोलते हैं। इस बॉडी के ऊपर एक उभरा हुआ हल्का सा पार्ट होता है ताकि हम इसको उल्टा करके रख सकें। जैसे ऐसे मशीन वर्क कर रही है तो उल्टा करके उसको रख सकें किसी सरफेस के ऊपर उसको रेस्ट देने के लिए। अगर हम इस पे कुछ काम नहीं कर रहे तो हम मशीन को उल्टा करके रख देंगे, तो इसको टूल रेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उल्टा करके हम इसको रख देते हैं। यहाँ पे होता है हैंडल। ये जो हैंडल है ये इसको पकड़ के ही ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है, इस हैंडल को पकड़ता है और फिर मशीन को ऑपरेट करता है। उसके बाद आती है जो इसके कुछ ये यहाँ पे मेन पार्ट्स हैं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे खोल के दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर होगा यहाँ पे स्पिंडल, स्पिंडल जो कि रोटेट करेगा, रोटेशन देगा। तो ये स्पिंडल यहाँ पे होगा सबसे ऊपर। उसके बाद ये जो है ये है गार्ड। गार्ड मीन्स जो डिस्क के चारों तरफ होता है आधे आधी में ये कवर करता है ताकि जो मटेरियल रिमूवल के चिप्स हैं वो ऑपरेटर को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये होता है गार्ड जो हमने बनाया है यहाँ पे। ये है गार्ड, ये है गार्ड जो कि गार्ड करता है जो मटेरियल रिमूव होता है ताकि उसके चिप्स ऑपरेटर को ना लगे। उसके बाद ये होती है इलेक्ट्रिक डिस्क, ये वाली जो एब्रेसिव डिस्क है इसको हम एब्रेसिव डिस्क बोलते हैं, एब्रेसिव डिस्क। ये जो एब्रेसिव डिस्क होती है ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम चूज करते हैं। जैसे कि ये हमारी बनी होती है बोरोन कार्बाइड की भी बनी होती है, सिलिकॉन बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड डस्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन चीज़ों की ये बनी होती है। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्क हमारी एब्रेसिव पार्टिकल की बनी होती है। एब्रेसिव पार्टिकल मतलब जो तीखे पार्टिकल होते हैं उनकी हम इसको बनाते हैं, तीखे और स्ट्रोंग होते हैं जो मटेरियल रिमूव का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिक जो हमारी एब्रेसिव डिस्क है ये हमारी दो तरफ से हम इसको इसके अंदर लॉक करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पे होती है फ्लैंज, ऊपर एक फ्लैंज होती है जो इसको ऊपर से कवर करती है और नीचे होता है एक लॉकिंग नट, लॉक नट हम इसको बोलते हैं।
जो इसको नीचे से लॉक कर देता है। यहाँ फ्लैंज लगती है जो इसको सपोर्ट करती है, और नीचे से लॉक नट हम उसको लॉक कर देते हैं, तो डिस्क यहाँ पे अच्छी तरह से फिट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हम ऑन करते हैं तो ये रोटेट करती है, और इसकी रोटेशन से हम वर्क करते हैं आगे। तो ये है इलेक्ट्रिक डिस्क ग्राइंडर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।